नमस्कार, हम बात कर रहे थे दो चरों में रेखीय समीकरण युग्म की हल करने की विधियों की बात कर रहे थे। जो 10th क्लास में आपको दिए गए ग्राफ की विधि, जिसे आपको ये दे दिया दो रेखीय समीकरण युग्म दे दिए और हमें कह दिया ग्राफ की विधि से हल करो। तो कैसे करेंगे हल करने के लिए? हल करने के लिए देखो, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? बिंदु चाहिए होते हैं, मतलब एक्स और वाई के मान चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों के लिए क्या करते हैं, मानों की सारणी बनाते हैं। जो किताब में आपको दो मान दिए निकाल सकते हो आप, अदरवाइज आप तीन मान निकालो। तीन मान निकालने का फायदा ये होता है कि आपके सवाल की जांच हो जाती है, क्योंकि जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में क्या होगा, दो बिंदु खींचोगे, सीधी सी बात, चाहे बिंदु यहां की जगह यहां था तो भी रेखा तो सीधी बन जाती। आप तीन बिंदु लेते हैं तो तीन बिंदु से क्या होता है, सपोज करो कि एक बिंदु यहां पे आ गया और दूसरा बिंदु हमारा यहां आ गया, हम रेखा बनाएंगे, सीधे मानो चल रहा है कि हमारा ग्राफ सही बन रहा नहीं। तीन बिंदु निकालने से ये फायदा होता है कि आप यानी उसके साथ साथ में जांच भी हो जाती है। दो से भी माने हैं लेकिन आप तीन मान निकालो तो आपकी सवाल गलत होने के चांस कम हो जाएंगे। जैसे आपको देखो, आप देखो इन दोनों को अलग क्या बनाते हैं, इनके मान निकालते हैं। पहले लेते हैं ऊपर वाले समीकरण को, जिसे आपको दिया है 4x-5y = 20। अब इसके मान निकालने का आसान तरीका यह है कि आप क्या करो, दोनों में से एक चर को अकेला कर दो, अकेला जाओ एक्स को लो चाहे वाई को। पहला ध्यान आपको यह रखना चाहिए कि देखो एक प्लस की संख्या कौन सी है, एक्स वाला प्लस है कि वाई वाला प्लस है, तो एक्स वाला है। तो मालूम चल रहा है जो प्लस का है उसे अकेला करो। फिर दूसरी बात आपको ये देखना चाहिए इसके गुणांक छोटा होता है, मान लो दोनों प्लस के होते हैं तब क्या करते आप, उसको देखते से गुणांक छोटा हो। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूं, एक्स को अकेला करता हूं तो क्या हो मेरे पास 4x = 20, ये माइनस कितना है तो क्या आपके पास है प्लस का 5y। एक्स अकेला नहीं होता है तो एक्स बराबर क्या हो गया आपके पास 20+5y और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास है 4। ये काम आपका पहला। फिर आप क्या करो, एक सारणी बनाओ, सारणी में क्या हो कम से कम आपके पास कितने पे हो 4 ऐसे, यहां तो x वाले मान और यहां पे वाई वाले मान। अब जो अकेला है उसके मान रखने, जो इसके पास अलग है वो अकेला है उसके मान रखने, बाकी जो चल है उसके मान रखने थे अपने हिसाब से, कोई टेंशन नहीं है। यहां पे किसके मान रखेंगे, y के मान रखेंगे, y के मान ऐसे रखेंगे ताकि जो हमारे पास x के मान पूरे पूरे हो, गुणांक चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का, टेंशन नहीं है, लेकिन गुणांक होना चाहिए। सबसे छोटा मान क्या रखना चाहिए, स्टार्टिंग कहां से करेंगे, 0 से करेंगे। आप देख दिया करो ये मान कहां होते हैं, यहां देखो लिखना होता है तो चेक करना होता है कि चेक वाला काम हमारे को मैं माइंड भी करना पड़ेगा कि मैं वाई का मान रखता हूं 0, अगर मैं यहां 0 रखता हूं ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे मान लो आपने क्या किया, वाई बराबर लिख दिया आपने 0 लिख दिया, तो एस बराबर क्या आएगा आपके पास, तो 20+5 गुणा कितना आ गया आपके पास है 0, क्योंकि मैंने वाई की जगह क्या लिख दिया 0 लिख दिया बटा में 4। तो x बराबर क्या है आपके पास 20, ये तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है क्या करेंगे, जोड़ देंगे बेटा, जोड़ना नहीं है, पहले कौन सा ध्यान रखेगा गुणा, बोर्ड मास्टर नहीं होगा, सिंपल सी बात है, अभी काम आता होगा भाग गुणा और जोड़ बाकी। पहले इसको निशान उठाते हैं भाग वाले को, फिर गुणा वाले को, बाद में जोड़ वाले बाकी वाले निशान उठाते हैं। तो फिर देखो पहले का गुणा वाले निशान उठाए, इसका गुणा से वो कितना हो जाएगा, वो 0 होने वाला है। अब 20 में 0 जोड़ेंगे तो देगा वो 20 ही रहने वाला है, बटा कितना है 4, तो x बराबर आपके पास कितना आ गया 5। x का मान 5 कब आया, जब आपने y का मान क्या रखा था 0 रखा था। फिर उसके बाद बात करते हैं आगे वाले, फिर देखो ध्यान से कि आप हम रखते हैं यहां पे 1, 5 एकम 5 नहीं बना, क्योंकि 5 और 20 दिनों में 25, 25 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। आपसे करना वो जनसन ये 2 रखेंगे 10 हो जाएगा, 10 वाले 20 कितना हो गया 30, सीधी बात है नीचे कौन है 4, 4 का पूरा पूरा भाग इसमें जाएगा, 4 के पाड़े में जो आता है जो उसके 4 के विभाजित पूरा पूरा हो, इससे माने इसके मतलब कि 20, उसके बाद यहां भी क्या जोड़ना चाहिए 20 और जुड़ेगा, मतलब 40 होगा तो जाके 4 का भाग जाने वाला है। फिर मैं रखता हूं 3 + 5 = 15, 20 और 15 कितने हुए 35, तो अभी 4 का भाग निकला, मैं रखता हूं y का मान क्या 4, तब देखना क्या हो रहा है, मेरे मालूम चल रहा है कि यहां 20 और यहां भी क्या हो गया 5 × 4 वाई का मान बटा में क्या 4, तो x बराबर क्या है मेरे पास है 20+20 बटा में कितना मेरे पास है 4, तो x बराबर कितना 40 बटा में 4 यानी कितना आया मेरे पास है 10 आ गया।
यहां कितना है आपके पास x का मान 10, कब जब इसका मान निकल के आ रहा 4। तीसरा मान बहुत ही आसान होता है, आप इसी को देख लो बिंदु, ये 0 फिर 4, अब क्या रखना चाहिए 8 रखना चाहिए, वही कर रहा हूं y का मान मैंने क्या रख दिया 8 रख दिया। आप इस तरफ भी जा सकते थे, आप इसका मान क्या रख सकते थे माइनस का 4 भी रख सकते थे, दोनों तरफ से कर सकते हो। तो फिर क्या होगा हमारे पास एक्स का मान क्या होगा 20 प्लस 5 गुणा में y का मान क्या रख दिया मैंने 8 बटा में 4। तो x का मान क्या होगा 20 प्लस कितना हो गया आपके पास है 40 हो गया, बटा में कितना है आपके पास है 4। तो x बराबर आपके पास कितना आ गया देखो 60, 60 बटा में 4 कितना आया 15। देख लो सीधी चलती है 5 10 और ये क्या हुआ 15 आया, नीचे 0 4 हो गया आपके पास है 8। ये भी हमारा काम था थ्योरी जो आपको लिखना आता है वहां पे। अब ये सारणी बन चुकी है इस वाले समीकरण के लिए, इस वाले समीकरण की सारणी में यहां लिखता हूं, जब हम ग्राफ बनाएंगे तब इसको यूज करेंगे। ये x और y 5 10 15 और यहां 0 4 8, ये इसका काम खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरी समीकरण के लिए सारणी बनाते हैं। देखो बेटा इसकी बात कर रहे हैं, अभी को इन दोनों में से किसको क्या लग रही है x हो कर रहा हूं वापिस फिर में, तो यहां से 3x बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 5 y, ठीक है ये प्लस कह रहा है तो माइनस, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 5 y बटा में 3। ये हमारे क्या कर दिया x का मान अकेला कर दिया, अब मान किसे रखने y के रखने, इसलिए वापिस में बनाते हैं एक सारणी बना लेते हैं, यहां पर लिख दिया x और यहां क्या आएगा y का मान, फिर अपनी मर्जी से क्या करो y के मान को y का सबसे छोटा मान कौन सा 0 रखते हुए, तो मुझे मालूम है आप चेक करिए करो 15 माइनस 5 गुना कितना आएगा 0 बटा में 3, तो x बराबर क्या है आपके पास 15 माइनस 0 हो जाएगा, तो फिर मतलब क्या हुआ आपके पास है 0, 0 छोड़ सकते हैं क्योंकि 15 में से 0 जाएगा तो क्या हुआ 15 रहने वाले, तो x का मान कितना आया आपके पास है 5। कब है जब मैंने y का मान क्या रखा 0, तो x का मान क्या आया 5। फिर आगे चलते हैं अब y का मान, अब y का मान रखते हैं देखो उसके बाद क्या हुआ 1 रखते हैं 5 एवं 5 5 15 में से 5 के कितना बचा 10, 10 में 3 का भाग जाता नहीं है तो 1 हमारे नाम का नहीं है, फिर एक कदम 5 दूनी 10, 15 में से 10 के कितना बचा 5, 5 में 3 का भाग जाता नहीं है, फिर y का मान रखता हूं 3, तब देखो क्या आता है 15 माइनस 5 गुणा में 3 बटा में 3, तो x बराबर क्या आया 15 माइनस 15 बटा में 3, x बराबर क्या हुआ 0 बटा में 3, तो हमारे पास x बराबर क्या आया 0 आया, x बराबर 0 कब आया जब मैंने y का मान क्या रखा था 3, अब ये 0 3 अब क्या रखना चाहिए, अब यहां मालूम चल रहा है y बराबर क्या रखो आप 6 रखो, तब क्या आता देखो तो x बराबर क्या हुआ 15 माइनस 5 गुणा कितना आ गया आपके पास से 6 आ गया, नीचे क्या आपके पास 3, तो x बराबर क्या है 15 माइनस का 30 बटा में 3, तो x बराबर क्या है माइनस के 15 बटा में 3, तो x बराबर क्या है माइनस का 5, माइनस का 5 कब आया जब मैंने इसका मान क्या रखा 6, ये तुम्हारी दूसरी सारणी बन गई दूसरी समीकरण के लिए, इसके मान भी मैं यहां पे लिख देता हूं, अब ग्राफ बनाएंगे उसमें काम आने वाले हैं माइनस का 5 और यहां पे 6। अब बनाते हैं इन सारणियों से इसका हल निकालते हैं कैसे निकालते हैं, ये तो पहले आपको इतना करना पड़ेगा, मान निकालने के सभी अलग अलग तरीके हैं, जिस दो मान निकालना चाहते हैं सीधे लिख देते हैं, एक बार x का मान जीरो लेते हो दूसरी बार y का मान जीरो लेते हैं, कभी कभी मान पूरे आते नहीं है आप इस प्रकार करोगे ठीक हो गया, चाहे दो मान निकालो चाहे तीन निकालो, तीन निकालने के पहले मैंने बता दिया आपको कि आपके सवाल की जांच हो जाती है। अब बनाते हैं हम ग्राफ में देखो आप जानते हो एक तो क्या एक्स एक्स दूसरा वाई एक्स, ठीक है ये तो क्या हमारे पास एक्स एक्स और यहां क्या हो जाएगा आपके पास है वाई एक्स हो जाएगा, यहां पे एक्स डैश एक्स और यहां पे वाई डैश एक्स हो जाएगा, बीच में तो क्या होता है मूल बिंदु 0.0 यानी कि यहां से चलना हमें स्टार्ट करना है। आप उससे पहले देख लो कि x का सबसे बड़ा मान कौन सा है, x का सबसे बड़ा मान प्लस में कितना है 15,
आपकी मर्जी है किस प्रकार का आप लेना चाहते हो, दो का पांचवा लेना चाहते हो, तीन का लेना चाहते हो, कोई फर्क पड़ने वाला तो नहीं है। मान लो कि मैंने क्या लिया, एक्स पर दो का फर्क ले लिया, दो वाले लिया, दो चार छ आठ, यहां पे दस बारह चौदह और यहां हो गया सोलह, क्योंकि हमारा हाइस्ट मान कितना है पंद्रह। फिर इस तरफ क्या आएगा आपके पास, माइनस का दो, माइनस का चार, माइनस के छह, क्यों आपके आपके पास बस आराम से आप सब बना होगा, मैं वहां से बना रहा, थोड़ा उन्नीस हो सकता है। फिर बात करते हैं वाई वाला, वाई वाला का मान प्लस में सबसे बड़ा कितना है हमारे पास आठ है, वाई का मान सारे प्लस के, सिर्फ यानी किसमें था एक्स में माइनस का था, तो कितना आप इसी में दो दो का फर्क ले लेते हैं, तो यहां आपके पास दो चार छ आठ और यहां पे हो गया दस। अब बनाते हैं, पहले बात करते हैं इस समीकरण के लिए, देखो आप एक्स पे कितना चलना आपको पांच चलना है, देखो दो चार और छह, छह के बीच में कौन आएगा यहां पे चलना, ये तो हो गया आपके पास पांच। फिर देखो पांच चलना है और आपको वाई कहां चलना, आपको वाई की तरफ चलना ही नहीं, तो हमारे पास ये बिंदु आया ऐसे, ये वाला बिंदु हमारे पास, उसे क्या करूंगा इसे आप जीरो लगा के रख दो, ठीक है। इस बिंदु को लिखना चाहो लिख देना कि क्या लिखोगे पांच कोमा जीरो। फिर बात करते हैं आगे वाले की, एक्स पे कितना चलना आपको दस चलना, एक्स पे चले हम दस और वाई की तरफ चलना आपको चार, यहां चले उसके बाद क्या हुआ यहां पे आपके पास है वो बिंदु आ जाएगा, ये बिंदु क्या आपके पास है दस कोमा चार। फिर देखो उसके बाद एक्स पे चलना आपको पंद्रह, एक्स पे चलना आपको पंद्रह, पंद्रह कहां आएंगे इनके बीच में, ये आपके पास पंद्रह और ऊपर कितना चलना आपको वाई पर आठ चलना है, देखो क्या आप आठ, आठ का आए लगभग यहां आ जाएंगे ऐसे, है ना, लेकिन आप आसानी से आपके पास तो आसानी से फुट स्केल से कुछ होगा वहां पहुंच जाएगा, ये आपके पास क्या हुआ पंद्रह आठ। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाना है, कैसे मिलाएंगे आराम से इसे मिलाना पहले तो, क्योंकि आपके पास स्केल होगी आराम से आप मिला सकते हो उसे, ऐसे आपके पास क्या हुआ मिल जाएगी, आपको रेखा प्राप्त हो जाएगी, किसका समीकरण है वो लिख देना चार एक्स माइनस पांच वाई बराबर बीस, ये आपको रेखा प्राप्त हो जाएगी सीधे से। फिर बात करते हैं इस वाले से, देखो ध्यान से एक्स पे कितना चलना आपको पांच और वाई पर चलना ही नहीं है, ये बिंदु आपके पास है आ चुका है। फिर देखो एक्स पे कितना चलना आपको चलना ही नहीं है, वाई पे कितना चलना आपको तीन चलना है, तीन कहां होगा यहां पे, इसका मतलब ये बिंदु आया हमारे पास ऐसे, क्या है बिंदु का निशान क्या होंगे जीरो कोमा तीन, क्योंकि बिंदु जब भी लिखते हैं तो पहले एक्स का मान लिखते हैं उसके बाद वाई का मान लिखते हैं। फिर देखो एक्स पे कितना चलना आपको माइनस का पांच, इस तरफ आए ये रहा माइनस का पांच और वाई पे कितना चलना आपको छ, छ ये रहा वही रहा ऐसे आएगा लगभग ऐसे आ जाएगा आपके पास ऐसे, हाँ। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाना, बिंदु लिख दो पहले माइनस पांच कोमा छ, इनको मिला हुआ पे ऐसे ऐसे बन जाएगा आपके पास है इसकी रेखा, ठीक है। इसका समीकरण लिख दो आप यहां पे, क्या था आपके पास तीन एक्स प्लस पांच वाई बराबर में पंद्रह, अब ये दोनों देखो कहां काट रहे हैं इस बिंदु पे काट रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ उत्तर, तो हमारे पास उत्तर लिख सकते हैं, उत्तर क्या हुआ हमारे पास है कि एक्स बराबर तो क्या आएगा पांच और वाई बराबर क्या प्राप्त होगा आपको जीरो। ये हमारा क्या है ग्राफीय विधि से इस रैखिक समीकरण का हल का रैखिक समीकरण का हल है, ठीक है। ये आप उसके बाद ध्यान रखना, इसके लिए क्या लिखना पड़ता है हमें पैमाना लिखना पड़ता है, बात करते हैं पैमाना, पैमाना का मतलब क्या हुआ कि हमने क्या माना एक्स अक्ष पे, मतलब वो जो खाना हुआ वो कितना एक सेमी होता है ना, वो उसको क्या माना है। अब देखो हमें यहाँ कोई मान तो दिया नहीं कि एक्स वाई है क्या चीज, हमें मालूम नहीं है तो इकाई मान लें, कोई भी जो भी होगी रुपया में रुपया हो जाएगा, सेमी सेमी मान लें मीटर तो मीटर हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे लिख देना एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना जो एक सेमी होता है, उसके बाद देख लो आपके सेमी कितना माना मैंने दो इकाई माना, क्या माना मैंने दो इकाई माना, वैसे क्या लिखोगे सेम का सेम वाई अक्ष पर एक बड़ा खंड, वो भी कितना है दो इकाई। इस प्रकार आपका ये सवाल है पूरा हो गया,
ये होती है हमारी ग्राफीय विधि। अब एक बात हो रही है आगे, जिसके बारे में एस अमीका की बात होती है, इसकी बात होगी एस अमीका। हम इस बार एस अमीका की बात कर लेते हैं। जैसे आप देख लो, आपको तो नहीं है फिर भी आप हम लोग क्या आपता मैं भी पूछ रहे कभी। देखो एस अमीका है, एस अमीका समीकरण है नहीं, मैंने बताया था समीकरण कैसे बनती है जब वो भ्रामक और निशान होता है। अगर हम भ्रामक और निशान के साथ छेड़छाड़ कर दें तो क्या बन जाएगी, ए समीकरण बन जाएगी। जैसे आपको दिया हुआ है ऐसे एक्स प्लस वाई ठीक है बराबर क्या है पांच, ये तो क्या है समीकरण। अगर हम इसकी भ्रामक और निशान की जगह इस प्रकार की चिन्ह लिख दें कैसे, ग्रेटर देन इक्वल या फिर लेस देन इक्वल, तभी क्या बन जाती है ए समीका बन जाती है। क्या बन जाती है ए समीका। तब स्थिति में जब इसका हल करते हैं तो हमें एक उत्तर नहीं प्राप्त होती, हमें एक हल क्षेत्र प्राप्त होता है, भाग प्राप्त होगा। इस तरफ सारे इसके हल होंगे, इस तरफ सारे हल होंगे। जैसे इसे सवाल लेते हैं उसको करते हैं, पहले एक छोटा सवाल लेते हैं लेना चाहता हूं। जैसे मान लो स्टार्टिंग में करते हैं, चल इसी को कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये आपको दिया रखा है ऐसे और कह देगी इसका हल क्या थे पीजी, तो कैसे करेंगे, तो पहले इसका हल निकालना चाहते हैं तो आपको समीकरण तो बनानी पड़ेगी। क्या करें, समीकरण में बदलने पर समीकरण बदलते हैं आप तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर क्या हो गया पांच। पहला काम ये होता है जो भी दिया उसी के तो समीकरण में बदलो, उससे आप ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाने के बाद हम देखेंगे इसका हल क्षेत्र क्या होगा। तो देखो यहां से देखना आप हमेशा इसके लिए आपको दो मान निकालने, पहली बात तो क्या लोगे x बराबर जीरो और दूसरी बात क्या लोगे y बराबर जीरो। जब आप x बराबर जीरो लोगे x से दिख रहा है जीरो प्लस y बराबर क्या हुआ पांच, तो y बराबर क्या है आपके पास है पांच। वही बात है y का मान जीरो लेते तो क्या हुआ आपके पास है, तो x का मान क्या आ जाएगा आपके पास है पांच आ जाएगा। ये दो मान ठीक है। अब इसका बनाते हैं हम ग्राफ, ग्राफ वही सिस्टम ये है, यहां तो क्या आएगा वाई एक्स, यहां एक्स अक्ष, यहां एक्स डैश और यहां वाई डैश अक्ष, यहां तो बीच में जीरो लिख दिया, एक दो तीन चार और यहां पे पांच, एक दो तीन चार और पांच, मैं मालूम है इतनी मान ची। अब यह ग्राफ बनाते हैं, जब एक्स का मान जीरो यानी कि एक्स तो चलना ही नहीं है, तो वाई का मान कितना आपके पास ये बात है, तो क्या आया जीरो को मान पांच। जब इसकी बात करते हैं y की तरफ चलना नहीं है, x का मान कितना है पांच, तो यहां क्या है पांच कोमा जीरो। अब इन दोनों को मिलाते हैं, जी आपका बन गया रेखा इस समीकरण के लिए। अब बात करते हैं इसका हल क्षेत्र क्या होगा, कि उत्तर सारी इस तरफ होगी या फिर इस तरफ, कैसे मालूम है बताता हूं आपको। आप क्या करो, दी गई इस समीकरण में मूल बिंदु दी गई समीकरण कौन सी है, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव में मूल बिंदु कौन सा जीरो कोमा जीरो रखने पर। अब जीरो कोमा जीरो रखते हैं, देखो आप एक्स का मान भी जीरो और वाई का मान भी जीरो रखते हैं, तो क्या इसे संतुष्ट कर रही है, ऐसे आएगा जीरो प्लस जीरो बड़ा होता है या बराबर होता है पांच के, क्या ये सही है, क्या जीरो बड़ा हो जाएगा पांच से, पॉसिबल है क्या, नहीं। स्थिति क्या आ रही है हमारे पास गलत, इसका मतलब रखनी है पांच संतुष्ट नहीं होता या फिर करता है। अब संतुष्ट नहीं होता इसलिए हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत और होगा ठीक है। इसका मतलब यानी कि इसका हल क्षेत्र इस तरफ ना होके उसके विपरीत होगा, यानी कि हल क्षेत्र हमारा उत्तर है इस तरफ नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब इस समीकरण को इस तरफ जो जो भी मान है सारे सारे वो संतुष्ट करने वाले नहीं है, उत्तर क्या होने चाहिए उस तरफ वाली होने वाली है।
अब देखना अभी देखते हैं, अभी देखना ये हमारा क्या हुआ हर क्षेत्र है, इसे आप क्या करोगे लाइन के द्वारा इसे दर्शा दोगे, ये हमारा हर क्षेत्र क्या होगा ये कहने का मतलब, इस तरफ जितने भी मान होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे इस समीकरण को हल करने वाले नहीं है। अब इसका मतलब भ्रामक निशान है, रेखा वाले बिंदु भी क्या करें इसको संतुष्ट करेंगे, मतलब सारे बिंदु इस तरफ जितने भी हैं वो सारे सारे इसको संतुष्ट करने वाले हैं, इस तरफ जितने बिंदु वो सारे सारे संतुष्ट नहीं करेंगे। आप चाहो देख सकते हो, मान लो कि यहाँ पे ये वाला बिंदु देख लेते हैं, ये वाला बिंदु लगभग यहाँ इसके ऊपर ही आने वाला था, ठीक है। आप मान लो कि इस तरफ बिंदु कौन होगा, दो और तीन भी होगा, दो दो होगा, मान लो दो दो लेते हैं हमारे यहाँ पे, ये बिंदु देखो दो को मान दो, ये बिंदु इसको संतुष्ट नहीं करेगा, कैसे देखो आप यहाँ दो यहाँ भी क्या दो, दो दो कितने में चार, चार बड़े होते हैं पांच से नहीं होते। अब इस तरफ जितने बिंदु हो यहाँ पे यहाँ पे नहीं यहाँ पे भी ले लो कोई बिंदु, कोई बिंदु नहीं, यहाँ माइनस सोच करो यहाँ भी माइनस का हुआ यहाँ भी माइनस का हुआ, अब दोनों मान माइनस के होंगे तो यहाँ माइनस की संख्या कभी भी प्लस से बड़ी होती नहीं है। कहने का मतलब ये सारे इस रेखा के इस तरफ जितने बिंदु होंगे जितने बन सकते हैं लाख करोड़ वो सारे के सारे के अलावा इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करने वाले हैं, जबकि इस रेखा के इस तरफ जितने बिंदु होंगे वो सारे के सारे इसको क्या करेंगे संतुष्ट करेंगे। आप लेकर देख लो कोई भी पांच तीन ले लो चाहे, ठीक है पांच चार ले लो, पांच पांच ले लो, चार चार ले लो, वो सारे बिंदु इसको संतुष्ट करने वाले हैं। ये क्या हुआ इसका हल क्षेत्र होता है, ऐसे करते हैं इस समीकरण को हल।